विचार वार्ता को हम प्रारंभ करेंगे। हिंदू जन जागृति समिति की ओर से आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं इस पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूं। अभी यहां पर मेरे साथ जो इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के लिए यहां पर महानुभाव उपस्थित है, मैं उनका परिचय करवाता हूं। हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी, आप सभी को परिचित गोवा के भारत माता की जय इस संगठन के गोवा राज्य संघ चालक श्री सुभाष वेलिंगकर जी तथा सनातन संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री चेतन राजवंश जी। यह गोवा में निरंतर जो हिंदू राष्ट्र अधिवेशन हर वर्ष जून माह में होता है, इस वर्ष भी 12 जून से 18 जून इस कालावधि में यह अधिवेशन रामनाथी देवस्थान कोंडा गोवा में होने वाला है। पिछले 2 वर्षों में कोरोना महामारी के कारण इस अधिवेशन में कुछ खंड हुआ, उस दौरान हमने ऑनलाइन अधिवेशन लेकर के उस कमी को पूरा करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष में सभी संगठन ने मिलना, प्रत्यक्ष में कार्य का नियोजन करना, इसकी आवश्यकता होती है। आप सभी पत्रकार बंधु तो इस कोरोना के काल में प्रत्यक्ष फ्रंट लेवल पर काम कर रहे थे, तो आप सभी ने इसका अनुभव भी किया होगा। तो इसी के लिए इस वर्ष यह अधिवेशन हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसी अधिवेशन की जानकारी देने हेतु मैं हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी इनके चरणों में प्रार्थना करता हूं। आप सभी पत्रकार बंधु भगिनी, आपको नमस्कार। दशम अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन के आयोजन के निमित्त आज हम यहाँ पर पत्रकार वार्ता में एकत्रित हुए हैं। गत जो 9 अधिवेशन हुए हैं और उसमें जो हिंदू राष्ट्र के स्थापना हेतु चर्चा हुई, अभियान चले, उसका परिणाम हम सभी देख रहे हैं कि भारत में सर्वत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना की चर्चा आरंभ हुई है और इस ध्येय से प्रेरित अनेक संगठनाएं, व्यक्ति, अभ्यासक, विचारक, अधिवक्ता अलग अलग क्षेत्रों में भारत के अलग अलग प्रांतों में कार्यरत हुए हैं। नुपुर शर्मा जो भाजपा की प्रवक्ता थी और उन्होंने एक वक्तव्य किया था, उस वक्तव्य को लेकर विश्व की जो इस्लामिक राष्ट्र उसके विरोध में एकत्रित होकर उन्होंने जो अभियान चलाया है, उसी के साथ अलकायदा जैसे संगठना सीधा धमकियां देकर एक टेररिस्ट एक्टिविटी करके समाज विघातक कृत्य करके एक अशांति फैलाने की धमकी दे रही है। तालिबान जैसा जो स्वयं घोषित टेररिस्ट संगठन था, वो भारत को कट्टरपंथी न होने की नसीहत दे रहा है। इन सभी बातों से आपको ध्यान में आया होगा कि भारत के हिंदू राष्ट्र स्थापना की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि एक तरफ ये जब बातें हो रही है तो शिवलिंग को कोई फवारा कह रहा है या शिवलिंग को आप गुप्तांग की पूजा
यानी शिवलिंग की पूजा को वो मनुष्य के गुप्तांग की पूजा बोलकर जो हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं पर आहत करने वाले वक्तव्य खुलेआम टीवी डिबेट पे दे रहे हैं, उनका खंडन उनका निषेध करने के लिए कोई समाज से आगे नहीं आ रहा है, तो उससे भी यह बात ध्यान में आती है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना कितना आवश्यक है। और इसीलिए इस हिंदू राष्ट्र की स्थापना के कार्य को गति देने के लिए हमने 12 जून से 18 जून के कालावधि में इस पवित्र गोमांतक भूमि के फोंडा शहर में जो श्री रामनाथ देवस्थान है उनके प्रांगण में यह अधिवेशन के आयोजन का हमने इस बार प्रयास किया है। इस अधिवेशन की सबसे वैशिष्ट्यपूर्ण जो एक बात है वो है हिंदू राष्ट्र संसद। हिंदू राष्ट्र संसद का मतलब है कि राष्ट्र चलाने के लिए कुछ आवश्यक कार्य पद्धतियां आदर्श कार्य पद्धतियों की आवश्यकता होती है। इन कार्य पद्धतियों को अंकित करने के हेतु प्रत्यक्ष प्रायोगिक स्तर पर हिंदू राष्ट्र संसद का आयोजन इस अधिवेशन में किया जाएगा। इससे हिंदू राष्ट्र का राजव्यवहार कैसा रहेगा या राजव्यवहार करते समय क्या मर्यादाओं का पालन करना होगा, इन सभी के संदर्भ में सूत्र प्रसारित होंगे। इन हिंदू राष्ट्र संसद के माध्यम से अनेक संगठनाएं व्यक्तियों को समाज को इससे दिशा दर्शन भी होगा। तो अधिवेशन के प्रारंभ में 3 दिन हम इस हिंदू राष्ट्र संसद का आयोजन करने वाले हैं। उसमें हिंदू राष्ट्र स्थापना के लिए संसदीय और संवैधानिक मार्ग, इस विषय पर पहले संसद होगी। मंदिरों का उचित प्रबंधन और उसी के साथ हिंदू शैक्षणिक नीतियों का अवलंबन कैसे करना चाहिए, ये जो 3 प्रमुख विषय है जिसके आधार पर हिंदू राष्ट्र की वैचारिक और बौद्धिक अवधारणा को हम अधिवेशन के माध्यम से समाज के सामने रखने का प्रयास करने वाले हैं। संसद में आदर्श व्यवहार कैसे हो, अपना विचार अभ्यासपूर्ण कैसे रखे, वो धर्म के यानी समाज के सभी घटकों के अनुकूल कैसे हो, आपस में सद्भावना और परस्पर प्रेम आदर को कैसे बढ़ाए, और समाज और राष्ट्र विघातक आने वाले अड़चने या संकटों का संवैधानिक तौर पर कैसे निराकरण कर सके, ऐसे सभी सूत्रों का एक सामायिक प्रागट्यकरण इस हिंदू राष्ट्र अधिवेशन से होगा ऐसे मुझे लगता है। तो मैं निश्चित कहता हूं कि आप सभी को भी यह जो नया विषय है वो विशेष आपको भी आकर्षण लगेगा। तो इस अधिवेशन को आप सबका मैं सहयोग अपेक्षा करता हूं और ऐसे कहते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। इसके उपरांत गोवा के भारत माता की जय इस संगठन के गोवा राज्य संघ चालक श्री सुभाष वेलिंगकर जी, इनको मैं विनती करता हूं कि अपना विषय रखिए। कोंकणीन उलयता। आना व्यासपीठार आशिल्ले आदरणीय मार्गदर्शक आणि गेली काही वर्षांपासून या अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन जे असा हे चलत आयले असा। हळूहळू गोव्यातली परिस्थिती हांगा अजून पोर्तुगीजांनी खलास करून सुद्धा जे 70% हिंदू शिल्लक उरल्या तांच्या मनातल्यान हिंदू राष्ट्राची भावना जी असा, हिंदू राष्ट्र स्थापन जावपाक जाय ही भावना अधिक
प्रबळ जायत चालल्या असो माझा अनुभव असा. अनेक संघटनात्मक काम करता असताना हांव गोंयभर प्रवास करता, अनेक लोकांक मेळटा, वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या लोकांक मेळटा. लोक भायर सरून उलोवपाचे धाडस करिना, पण मातशें जर खरपिलें तांकां जाल्यार हिंदू राष्ट्र स्थापन जाल्या शिवाय पर्याय ना अशें म्हणटात. संघटनेच्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाकाय दिसता ठामपणे म्हज्या संघटनेच्या वतीन की हिंदू राष्ट्राची स्थापना ही अनिवार्य गजाल जावन उरिल्ली आसा. आतां नाजाल्यार हिंदू समाजाक जे भोगचें पडटा ते भोग जे आसा हे कमी जावपाचे ना तो पर्यंत. हांगा गोव्यातूय काही विषय अयरणीचेर आयले ज्यातूंतल्यान ही चिंता वाडीक लागिल्ली आसा. ते विषय म्हणजे एक म्हणजे विजयादुर्गा देवस्थान आसा. प्राचीन विजयादुर्गा देवस्थानची जमीन आणि प्राचीन विजयादुर्गा देवस्थान उद्ध्वस्त केल्या पोर्तुगीजांनी ती जमीन ही शंकवाळे आसा. आमच्या गोवा राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि मधी घोषणा केली. अनेक घोषणा ताणे जो खूप वर्षां लोक वाट पळयताले अशो केल्ल्यो आसात. तातूंतल्यान ताणें पोर्तुगीजांनी उद्ध्वस्त केल्ले मंदिरांचो पुनरुद्धार करतले अशा प्रकारची घोषणा केली. ताजे आमी सगळ्याच स्तराचेर स्वागत केल्ले आसा. आज पोर्तुगीजांनी जी देवळां मोडून उडयल्ली त्या ठिकाणी चर्चेस उभे आसात त्याच गाभाऱ्याचे. फक्त दोन जागे गोव्यात शिल्लक उरलेले आणि आसात ज्या ठिकाणी चर्चीस बनवूक शकले ना, ते म्हणजे वेर्णा 66 वरेण्यपुरी ज्याका म्हणतात, थंचे श्री महालसा नारायणी मंदिर, सगळ्यात मोठे अतिशय समृद्ध असे देऊळ हे उद्ध्वस्त झाले. हिंदू समाज जागृत राहून सुदैवान त्या जागेचेर पोर्तुगीजांनी चर्च बांधूंक ना आणि ताजो उपयोग करून हिंदू समाज उभा रावलो गोव्यातलो आणि आज आमकां त्या ठिकाणी एक भव्य मंदिर पळोवपाक मेळटा. अजून ताजी पूर्णता जावंक ना. आतां गोव्यात एकूच जाग्या उरल्या, श्री विजयादुर्गा देवस्थानची प्राचीन मंदिर ज्या ठिकाणी आशिल्ले आणि ते पोर्तुगीजांनी पाडले. ते दुर्दैवान चर्च संस्था जी आसा ही हस्तक्षेप करपाक लागल्या त्या ठिकाणी. सगळ्या प्रकारचे बेकायदेशीर धंदे चर्चीन ह्या आर्कियोलॉजीच्या ताब्यान आशिल्ल्या जाग्यान केल्या, ताजी दखल कोणेच घेतली ना. देवळाच्या समोर तळी आशिल्ली, ती तळी आशिल्ली ती उद्ध्वस्त केली गेली. गेल्या 10 वर्सांतले हे डेव्हलपमेंट्स आसात आणि हे ठिकाण जे आसा हे एका काळाचेर पोर्तुगीजांनी अत्याचार केलेच. आता परत सरकारान मातशी हे दवरून म्हणजे न्यूट्रल दवरून जबरदस्त दबाव हाडून ही कामां वाम मार्गान करपाचे प्रयत्न जे आसा हे चालू आसा. म्हणजे पोर्तुगीजांची परंपरा चालू दवरपाचे काम हांगा गोव्यात बंद जावं ना, ते चर्च द्वारे चालू उरिल्लेच आसा. सेंट जोसेफ वाज हे गोंयचे सुपुत्र ज्यांका संत म्हणून घोषित केले गेले, तांचे एक मोठे चर्च आणि स्थान या जुन्या विजयदुर्गा प्राचीन मंदिराच्या जाग्यारूच बांधपाचे अशा प्रकारचा एक मोठा प्लॅन गेल्या 12 वर्षांपासून प्रत्यक्षात हाडप, स्टेज बाय स्टेज चालू आसा. तातून बुलडोजर घालून त्या जमनीन खरं म्हणजे परवानगी ना, कसल्याच प्रकारची परवानगी काढी नसताना आणि आश्चर्य म्हणजे कोणाचाच हस्तक्षेप कोणे करू ना हे सगळे जाता म्हणून आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट शांत राहलो आणि त्यामुळे जुने पुरातन वास्तू जे देवळाचे हे आशिल्ले ते भग्न अवशेष आशिल्ले ते पूर्णपणे फोडून त्या जमनी सकयल गाळून ती जमीन समतल करपाचे म्हणजे तळये सकट हे काम गेल्या 10 वर्सांक जाल्ले आसा. थंय एक
कप्प्यात उभे राहिले असतात इल्लीगल. आणि आता जो बोर्ड आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंटान लायलो तो फ्रंटिस्पीस ऑफ साकवा असे म्हणून आशिल्ले थंय, आता तो बदलून चर्चीन थंय नवो बोर्ड जो लायला तो फ्रंटिस्पीस ऑफ साकवाळ चर्च. एक नवी दंतकथा निर्माण केल्या की ह्या ठिकाणी चर्च आशिल्ली, म्हणजे देऊळ उद्ध्वस्त करून पोर्तुगीजांनी बांधले असे त्यांचे म्हणणे. आणि मागीर एक दीस अचानक अग्नीचा कल्लोळ वयल्यान आयलो आणि ते देऊळ ते चर्च उद्ध्वस्त झाली. ही कथा निर्माण केली असा नवीन. आणि ती जर चर्च उद्ध्वस्त झाली जाल्यार ताणे किती तरी पुरावे मांडले आशिल्ले थंय, काय ना जमीन उत्खनन करची ती अशी आमची मागणी असा. आणि ही एकमेव जमीन जी शिल्लक उरलेली असा पोर्तुगीजांच्या विध्वंसापासून, त्या जमनीन परत एकदा श्री विजया दुर्गा देवीचे देऊळ जावचे असा गोयकारांचो मानस असा. हो इशू जसो असा तसो धर्मांतराचो इशू असा गोयात. मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केल्या की ह्या अधिवेशनच कदाचित धर्मांतर विरोधी बिल त्या हाडटले आणि तशा प्रकारची तयारी चालू असा असं ताणे सांगितले असा. ताजे परत आम्ही सगळ्यांनी हिंदू समाजान गोयच्या स्वागत केले असा. आणि हे बेगीन करचे, काही जण खाको वयर करून हांगा धर्मांतरण जायच ना अशा प्रकारचे स्टेटमेंट जबाबदार लोक देतात. अशा पार्श्वभूमीचेर डॉमिनिक नावाचो बिलिव्हरांचो पादरी आणि ताजी साथीदारी जुआनाम हांची भेट तुरुंगान झाली खरी. आणि मागीर त्यांच्यानी हो धर्मांतराचो धंदो करपाचो ठरयलो. ताका अटक केल्या पण जामीन मेळ्ळो. तर ताजी पूर्ण चौकशी गोवा गव्हर्नमेंटान करची. आणि हिंदूचे जवळजवळ 1.5 लाख लोक जे आतापर्यंत धर्मांतरित केल्या ताणे, ताका क्रिप्टो ख्रिश्चन असं म्हणला. त्यांचे हिंदू नावं बदलूंक ना, हिंदू नावांच दवरून समाजान ख्रिश्चन म्हणून वावरतात ते, म्हणजे बिलिव्हर्स म्हणून वावरतात. अशा प्रकारचे 1.5 लाख लोक आता गोव्यात असा. हे अत्यंत अलार्मिंग असा गोयच्या हाज्या दृष्टीतल्या. आणि त्यामुळे कायदो कितलोसो पुरेसो पडटा हे पळोवंक जाय, पळोवपाची असा. एक उल्लेख हांगा जाल्लोच असा, हँडआउटानूय तो उल्लेख जातलो, तो म्हणजे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया जी असा. ही आतंकवादी संघटना पाकिस्तानी आयएसआय कडे ज्याचो संबंध असा, देशभर दंगली केल्या, खून मारल्या, हत्या केल्या तरेतरेच्यो अशा, आणि गैरव्यवहार केल्या. ईडीन सुद्धा हालीच्या काळाचेर त्यांच्या सगळ्या कार्यालयांनी धाड घातिल्ली असा. तर ह्या पार्श्वभूमीचेर गोवा गव्हर्नमेंटातले मुख्यमंत्री आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणेंही सांगला, केंद्र सरकार कडेन मागणी केल्या की पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचेर बंदी घालपाक जाय, कित्याक ही देश विघातक संघटना असा. हे ताणे ताजो उच्चार केल्लो असा. आम्ही परत त्या घोषणेचे स्वागत करतात. आणि ताणी वाट पळोवची न्ही केंद्र सरकार कडेन बोट ढकलून. झारखंड राज्यात जे स्वतः तर जाणे स्वतःच आपल्या राज्याच्या हातूंतल्यान बंदी घातिल्ली असा अधिकार, तर ते झारखंडचे अनुकरण करून गोवा गव्हर्नमेंटान केंद्राची वाट न पळयता हैदोस घालपाक सुरुवात जाणी केल्या अशें पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचेर बंदी घालची अशी आमची मागणी असा. ह्या अधिवेशनात तरेतरेचे विषय जे चर्चे घेतले ताजेर ह्या गोयच्या विषयांचेर वाचा फुटले. ऑलरेडी अशा प्रकारचे काही विषय जे असा हे अंतर्भूत झाले असा अजेंडा. एक गोष्ट आणि एक असा ती म्हणजे केंद्र सरकारची वाट पळयता असताना पॉप्युलर फ्रंटाचेर बंदी घालपाक गेल्या 12 वर्षापासून 10 वर्षापासून श्री रामसेना ही हिंदू संघटना जी असा देशात काम करणारी आणि त्यांचे प्रमुख प्रमोदजी मुतालिक यांच्या गोवा प्रवेशाचे आणि त्यांच्या संघटनेचे ही 6-6 महिन्यांनी बंदी परत 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 इम्पोज केली होता गोवा गव्हर्नमेंटान. त्यामुळे त्या संघटनेन हांगा कांयच केले ना. एका वटेन मुस्लिम संघटना आतंकवादी असा ताज्या खातीर केंद्रा कडेन बोट दाखवणे आणि ही संघटना असा ताका गोयच्याच अधिकारान राज्य सरकारच्या बंदी घालणे हे किती बरोबर दिसना. त्यामुळे आमची मागणी असतली की श्री रामसेना
हे हिंदू आउटफिट जो आसा ताच्या वेळी बंदी हटोवची गोवा गव्हर्नमेंटान आणि प्रमोदजी मुतालीक हांका प्रवेश बंदी जी केली आसा ती हटोवची. एक विषय गोयचो जो आसा अनेक राष्ट्रीय स्तराचेर ही मंडळी जी आसा हे आमचे मार्गदर्शक आसा हे सगळ्यात प्रवास आणि संचार चालू असतात. गोव्यातूय अशा प्रकारच्या घटना घडल्या. रोहिंग्या मुसलमान ज्यांका सौदी अरेबिया सुद्धा घेऊक तयार ना मुसलमान असून आपल्या देशात असे मुसलमान देशभर पसरल्या. घुसखोर असतात ते बेकायदेशीर दृष्ट्या ते रित्या ते घुसलेले असा गोव्यात अशा जवळजवळ 7,000 ते 85,000 रोहिंग्या मुसलमान आणि बांगलादेशी मुसलमान घुसखोर या गोव्यात तरे तरे कडेन आश्रय घेऊन असा त्यांचा शोध घेऊचो आणि त्यांची हकालपट्टी करची अशा प्रकारच्या न्यायालयीन आदेश सुद्धा असा. अनेक भारतीय जनता पार्टीच्या राज्यांनी सुद्धा मागणी केली असा आणि त्यामुळे गोव्यातल्या हांका इल्लेशे गोयन 15 लाख लोक वस्तीचे तातून 85,000 जर रोहिंग्या बांगलादेशी जर असा जाल्यार खंयच्याय वेळाचेर काश्मीरान 2 दीस पयली जर सांगिल्ले अत्याचार आणि अन्याय जातलो म्हणून तुमचेर जाल्यार ते विश्वास दवरचे नाशिल्ले. सर्व धर्म समभाव अशे सांगून आमकां गप्प करपाचे. ती स्थिती हांगा सुद्धा गोंयांत येऊक शकता ती जाणून दिवपाक जायना अशा प्रकारचे आमचे प्रयत्न आसात. म्हणून भारत माता की जय संघटना आसात बाकी सगळ्यो संघटना हिंदू ज्यो आसात त्यो हळूहळू करून हांगा हिंदू जनजागृती समितीचे जे अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन जे आसा तातून सामील जातले आणि ही मागणी जी आसा हिंदू राष्ट्र घोषित करचे या देशात ताका पूर्ण पाठिंबा आमचो गोयकारांचो आम्ही प्रदर्शित करतले आणि तो पाठिंबा आसा हे सांगून हांव म्हाका कितें सांगपाक जाय आशिल्ले ते पूर्ण. अभी मैं सनातन संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री चेतन राजौन जी को विनती करता हूं कि अपना विषय रखें. नमस्ते. देखिए सभी राज्यों में और केंद्र में भी बहुत जगहों पे हिंदुत्वनिष्ठ दल की स्थापना होने के बाद हिंदुत्व को अनुकूल ऐसे निर्णय हो रहे हैं. आपने देखा होगा कि लव जिहाद के विरोध में कानून बन रहा है. धर्मांतर विरोधी कानून गोवा में भी अभी पहल हो रही है. अनेक राज्यों में बन चुका है. कुछ राज्यों में तो समान नागरिक कानून बनाने की घोषणा हुई है. अयोध्या जी में राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम जी का भव्य दिव्य मंदिर बनने जा रहा है. आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 कश्मीर से हट गया है. तो बहुत सारे हिंदुत्व को जो अनुकूल निर्णय है वो इस हिंदुत्व दल की सत्ताएं आने के बाद हुई है. परंतु आज भी हिंदुओं के जो संवैधानिक अधिकार है वो पूर्ण स्थापित नहीं हुए हैं. आपको मैं उदाहरण बताना चाहूंगा. जैसे ज्ञानव्यापी का मसला सामने आया है तो आज भी आप जैसे देखिए काशी मथुरा जैसे भारत के जो हिंदुओं के श्रद्धा स्थान है जो तीर्थस्थली है वो आज भी अपने अधिकारों से यानी हिंदुओं का जो धार्मिक अधिकार है कि उनका दर्शन लेना या वहाँ एक तीर्थ क्षेत्र के रूप में उसको स्थापित होना तो वो उस अधिकार से आज भी हम वंचित है. अभी वेदिंगकर साहब ने भी कहा कि शंखवल्ली में जो हो रहा है तो लगभग भारत के सभी राज्यों में इसी प्रकार की परिस्थिति है. आप जाके देखेंगे कि ओबीसी सीधे सीधे हमको धमका रहा है कि हम ज्ञानवादी को नहीं लेने देंगे. जो हिंदुओं का अधिकार है जो अधिकार की मांग के लिए हिंदू न्यायालयिक मार्ग से लोकतंत्र में जो न्यायालय का मार्ग चुना जाता है उसी को चुनकर गए हैं तो आप न्यायालय के बाहर इस प्रकार की घोषणा देते हैं तो ये एक प्रकार से असंवैधानिक है. यानी आपके हिंदुओं के अधिकारों को हम लेने नहीं देंगे इस प्रकार की ये घोषणा है ये हमें समझना होगा. आगे जाके मैं बताना चाहूंगा कि जहां धर्मांतरण के विषय में जब कानून होते हैं चर्चाएं होती है आज गोवा में भी कानून होने जा रहा है तब लोग बोल रहे हैं कि कानून की आवश्यकता क्या है. आप तमिलनाडु में जाके देखिए वहां लावण्या नाम की गरीब विद्यार्थिनी उसको इतने बुरी तरीके से दबाव लाया गया कि आप धर्मांतरण करो और उसको सुसाइड करना पड़ा. यदि उस विद्यार्थिनी केवल धर्म परिवर्तन नहीं करती है और उसके लिए उसको सुसाइड करना पड़ता है
तो ये भारत में सभी जगह धर्मांतरण कानून की आवश्यकता ये समझ में आना चाहिए आपको। किसी का धर्म छीनना यानी एक प्रकार से उसके धार्मिक अधिकारों का हनन करने जैसा है, और इसीलिए जब जहां जहां धर्मांतरण विरोधी कानून बन रहा है वहां इस दृष्टिकोण से पूरे भारत में ही वो बनना चाहिए। यह हिंदुओं का सामान्य अधिकार है, ये हमें समझना होगा। अब कश्मीर में 370 हटा है तो आपको लगा है कि कश्मीर का एक प्रकार से हिंदूकरण हो रहा है, तो ये बिल्कुल एक प्रकार से भ्रम है, हमें समझना होगा। क्योंकि कश्मीर में पिछले 10 दिनों में 13 हत्या हुई है, जो टारगेट किलिंग वहां हो रहा है, सरपंच को लेके सरकारी अधिकारी को लेके आम आदमी तक हर व्यक्ति को जो है चुन चुन कर मारा जा रहा है। और ये जो टारगेट किलिंग है ये केवल कश्मीर की घाटी में हिंदू रहेंगे इस घोषणा के बाद हो रहे हैं, यानी हिंदुओं का अपने मातृभूमि में रहना ही एक संवैधानिक अधिकार है। संविधान हमारा सुरक्षित जीवन व्यापन व्यापित करने के लिए हमें अधिकार देता है और उसके लिए संरक्षण देता है, लेकिन कश्मीर की घाटी में हिंदुओं को सुरक्षित जीवन जीने का जो एक अधिकार है उसका हनन हो रहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, कश्मीर से पूरे कन्याकुमारी तक हिंदू समाज के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे है कि जहां हिंदू स्वयं पलायन कर रहा है। तो ये सारे उदाहरण इसलिए बताएं कि आज भी पूरे सेकुलर तंत्र में कहीं भी हिंदू समाज की जो व्यवस्था है वो नहीं है, और इसके लिए हिंदुओं को जो संवैधानिक अधिकार भी जो प्राप्त है उसका ही हनन हो रहा है। तो इस हिंदू राष्ट्र अधिवेशन में हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि जो संविधान ने हमें मूलभूत अधिकार दिए है एक नागरिक के प्रति, तो उस अधिकारों की सुरक्षा हो, क्योंकि हिंदू समाज भी इस देश का नागरिक है। जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय उनके लिए आपने अल्पसंख्यक आयोग बनाया हुआ है, उनके लिए अल्पसंख्यक विकास मंत्रालय बनाया है, उनके लिए अलग अलग प्रकार के आयोग बनते रहते हैं जैसे सच्चर आयोग, उसी प्रकार से हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए हिंदुओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी प्रयास होने चाहिए। और इसीलिए भारतवर्ष से लगभग 1000 से अधिक हिंदू संगठनों को हमने यहाँ आमंत्रित किया है, और इसी विषय पर हम ज्यादा से ज्यादा चर्चा इस वर्ष करने वाले हैं। रमेश जी धन्यवाद। इस अधिवेशन में अभी जैसे यहाँ पर बताया गया तो भारत, इंग्लैंड, हांगकांग, सिंगापुर, फिजी, नेपाल, श्रीलंका ऐसे विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। अलग अलग विषयों पर वहाँ पर सेशन होंगे, तो इन विषयों में मुख्यतः यदि हम देखते हैं तो जैसे काशी ज्ञानव्यापी मस्जिद का विषय है, अभी जैसे यहाँ पर चर्चा हुई कि धर्मांतरण का मुद्दा है, जिहादी आतंकवाद है, अभी जो हाल ही में बढ़ रहा है वो एक हलाल सर्टिफिकेट के द्वारा एक आर्थिक जिहाद एक नया विषय जो है वो चालू हुआ है, या काशी ज्ञानव्यापी का मुद्दा होगा, ऐसे कश्मीरी हिंदुओं का विषय है। तो अभी जैसे यहाँ पर जो विभिन्न विषय हुए वो एक प्रातिनिधिक स्तर पर यहाँ पर जो बताए गए हैं, तो ऐसे ही और भी कई सारे विषय जैसे हमारे मंदिर जो है तो उन मंदिरों का रखरखाव कैसे हो, उनका प्रबंधन कैसे किया जाए, तो ऐसे भी कई सारे विषय होंगे। हिंदू राष्ट्र संसद के बारे में तो यहाँ बताया गया कि जिसके अंदर भारत की शिक्षा नीति पर भी विचार होगा, तो ऐसे विभिन्न विषयों पर वहां पर विचार विमर्श होगा, चर्चा होगी, मंथन होगा, और उसके उपरांत कुछ तो उसके बारे में एक प्रस्ताव भी रखा जाएगा। साथ ही में ये जो अधिवेशन है, इस अधिवेशन में भारत के गणमान्य व्यक्ति आने वाले हैं, जैसे सीबीआई के भूतपूर्व डायरेक्टर नागेश्वर राव एम नागेश्वर राव जी आने वाले हैं, जिन्होंने काशी ज्ञानव्यापी की लड़ाई न्यायालयीन संघर्ष के द्वारा चालू की, वो पूज्य हरिशंकर जैन जी अधिवक्ता तथा अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन जी भी उपस्थित रहने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश से कुरु थाई यह एक नॉर्थ ईस्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले वो भी आने वाले हैं। इसके साथ में तेलंगाना के विधायक जो है टी राजा सिंह वो भी उपस्थित रहेंगे। कश्मीरी हिंदुओं के प्रतिनिधि के रूप में राहुल कौल जी और भी उनके साथी जो है वो इस अधिवेशन में उपस्थित रहेंगे। तो ऐसे विभिन्न स्तर के विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ति इस अधिवेशन में उपस्थित रहने वाले हैं। साथ ही में भारत सेवाश्रम संघ के स्वामी संयुक्तानंद जी महाराज तथा
इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी के स्वामी निर्गुणानंद गिरी जी महाराज, इस प्रकार से कई सारे स्वामी जी भी उपस्थित रहेंगे, उनके आशीर्वचन वहां पर होंगे। इस अधिवेशन को भारत के विभिन्न हिंदू संगठन, अधिवक्ता संगठन तथा उद्योगपति ऐसे 58 संगठनों ने अपना समर्थन पत्र भी देकर के अपना समर्थन बताया है। अंतिमतः इस अधिवेशन का, क्योंकि सभी जन यहाँ पर अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, तो इस अधिवेशन का सीधा प्रसारण भी होगा और वो हिंदू जन जागृति समिति की वेबसाइट hindujagruti.org इस संकेत स्थल, इस जाल स्थल के द्वारा इसका ऑनलाइन प्रक्षेपण होगा। हिंदू जन जागृति समिति का यूट्यूब चैनल भी है हिंदू जागृति, तो इस यूट्यूब के चैनल के द्वारा भी इसका सीधा प्रसारण होगा। तो हम सभी का इस प्रकार से आह्वान करना चाहते हैं कि आपको प्रत्यक्ष यहाँ पर उपस्थित रहने का अवसर नहीं मिला होगा, फिर भी आप इस ऑनलाइन प्रक्षेपण के द्वारा इस अधिवेशन में सम्मिलित हो सकते हैं, अपना सहभाग ले सकते हैं और एक पूरे भारत में हिंदू राष्ट्र स्थापना के दृष्टिकोण से एक जो आंदोलन चालू है उसमें आप अवश्य सहभागी हो, ऐसे मैं सभी से आह्वान करता हूँ। और आप सभी पत्रकार बंधुओं से मैं विनती करता हूँ कि इसके उपरांत यदि आपके कोई प्रश्न होंगे तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। पोर्तुगीजांनी हिंदूंची मंदिरं उद्ध्वस्त केली। आता ह्या विजयदुर्गाच्या निमित्तान एक लक्षात येता की ते उद्ध्वस्त केली तशीच हे करून थंय चर्च बंद, हे जे काम केलं पोर्तुगीजांनी ते परंपरेन आता चर्चीन हातान घेतिल्ले आसात अशें सांगपाचो उद्देश। आज तू जी पैशात ज्या रामनाथी पैदान जावपाचे त्या पोरणा तालुक्यान डझन भर मंदिरं आसा, त्या सगळ्या मंदिरांक तळी आसा आनी योगायोगान त्या सगळ्या तळयांचो स्ट्रक्चर हो एकच तळयेचो आसा। त्याच पोरणा तालुक्यान डझन भर मशिदी आसा पूण एके मशिदीक तळी ना, पूण फक्त फोणेची साबा मशिदीक तळी आसा। कितें आसा हिंदू मंदिर हो सगळ्या गोंयकारांच्या मनान प्रश्न आसा की मशिदी समोर केन्नाच तळी असना आणि साफा मशिदी समोर तळी असा, त्या दृष्टीतल्यान आम्ही एक निवेदन हिंदू रक्षा महाआघाडीतर्फे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आणि आर्कियोलॉजी मिनिस्टर सुभाष फळदेसाई हांका दिवपाचे असं की सत्य लोकांच्या समोर येऊचे अशा प्रकारची ती मागणी। साफा मशीदान संगायचं म्हणजे साफा मशीद जो है उसके विषय में हमने एक आरटीआई डाला था बीच के इसमें, हमने वहां पूछा था कि साफा मशीद जो है वो कितने, आपने वहां आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वहां एक बोर्ड लगाया था कि ये मशीद है और यह आदिल शाह के काल से है वगैरह, तो हमने उनको जानकारी मांगी कि आपके पास इसका कौन सा ऐतिहासिक दस्तावेज है वो हमें आरटीआई के माध्यम से दे। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया हमारे पास इसका कोई दस्तावेज नहीं है, ये केवल जो लोगों में चर्चा हुई उसके आधार पर हमने इस बोर्ड को बनाया था। तो सरकार और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास इस विषय में कोई भी जो है पुख्ता जानकारी नहीं है। और हमारे यहाँ मंदिरों में जो एक प्रकार से कहीं भी आप जाएंगे मंदिर में तो जल होता है, क्योंकि हमारे यहाँ देवता है जल प्रत्याग करती है, हमारे यहाँ जीवित अस्तित्व माना गया है देवताओं को, तो इसीलिए हर मंदिर में होता है। लेकिन विश्व में एक भी ऐसी मस्जिद नहीं कि जिसके सामने जो है कली होती है, क्योंकि जहां से धार्मिक स्थलों का विषय आया है अरब स्थान से, तो वहां अरब स्थान में तो जल ही नहीं था। तो इससे ही समझ में आता है कि वो मंदिर का कहीं ना कहीं इतिहास हिंदू विचारों से यानी हिंदू वास्तु से जुड़ा होगा। इस प्रकार से जो है इस विषय में हम लोग आज भी उसका खोज कर रहे हैं कि इसके कोई डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं क्या, और उस विषय में हमारा अभियान जो है यदि डॉक्यूमेंट्स हमारे पास उपलब्ध हो जाते हैं तो हम समाज के सामने उसको लाने का प्रयास करेंगे। इसमें कैसे भी लगा कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कहीं पीएफआई के लोगों से तो चर्चा नहीं किया था ये जानकारी लेने के लिए, गोवा के कोई लोग उनको मिले कि नहीं, ऐसे भी प्रश्न उपस्थित करने वाला यह सूत्र है। को
राष्ट्र घोषित करना एक केंद्र सरकार के हाथ में, तो क्या आप इस अधिवेशन के बाद आपका इस बारे में कोई प्रस्ताव है वो केंद्र सरकार को भेजने की कुछ है आपकी? गत 9 अधिवेशन से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए यह प्रस्ताव हमने पारित किया है और केंद्र शासन को भी भेजा है। प्रारंभ में तो इस शब्द के बारे में ये कैसे हो सकता है, ऐसे अनेक प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए हैं। परंतु अभी आपने बदलाव देखा होगा कि कुछ सांसद जो है वे स्वयं हिंदू राष्ट्र स्थापना की पहल स्वयं कर रहे हैं। अभी दिल्ली में जब एक कार्यक्रम हुआ था हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु, जिसमें जगत गुरु शंकराचार्य पूरी पीठ के आए थे, उस समय 2 केंद्रीय मंत्री भी वहां आकर उन्होंने वहां पे समर्थन दिया है। और बहुत से जो विरोध है, चाहे ओवैसी हो या यो, कि अभी भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है, ऐसे वो भी बार 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 कह रहे हैं। तो 10 वर्ष पूर्व इस गोवा के पवित्र भूमि से जो हिंदू राष्ट्र के विचार का अभियान पुनर्जीवित हुआ था, तो समर्थन करने वाले आत्मविश्वास से कह रहे कि अभी ये होगा, और उसका विरोध करने वाले अब भय से ये मानने कर रहे कि अब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है, ऐसे दोनों चर्चाएं हमें समाज में हो रही है, ऐसे दिखता है। परंतु ये बात हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि हिंदू राष्ट्र में किसी को भय की कोई आवश्यकता नहीं है। जो संविधान कानून और इसको पालन करेगा उसको किसी को भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का पुनः एक बार धन्यवाद व्यक्त करता हूं और इस पत्रकार वार्ता का यहां पर समापन हुआ इसे घोषित करता हूं।